सबसे पहले सारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सारे टीचर को सुना। आप ये कह सकते हैं कि रूप हम लोग आप लोग को झेलते हैं, इसलिए आप हम लोग ये तो लग रहा पनिशमेंट मिल रहा है। आप स्वामी विवेकानंद के बारे में जो भी जानकारी आप लोगों को मिलना चाहिए था, सारे शिक्षकों ने आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखा और अपनी बातों से अवगत कराया उस महान पर्सन के बारे में कि क्यों आखिर वो इतना पॉपुलर हुए। और एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सारे शिक्षक इस बात का मेंशन कर रहे थे कि स्वामी विवेकानंद भारत में तो प्रसिद्ध थे ही, लेकिन वो विश्वविख्यात कैसे बने, तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है शिकागो में हुए 11 नौ 1893 में विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विश्व 11 नौ को याद क्यों करता है। 11 नौ को हम लोग इसलिए याद करते हैं क्योंकि ओसामा बिन लादेन के साजिश के तहत अमेरिका के एक टावर पे हमला हुआ था और बस हमारे जहन में बस वही बात है 11 नौ 11 नौ 11 नौ। लेकिन नहीं, 11 नौ अगर भारत अपने हिसाब से देखे तो 11 नौ ही वो दिन है जिसने भारत को विश्व स्तर पर एक पहचान दिलाई। क्योंकि मैं बात करने जा रहा हूँ विश्व धर्म संसद, आप लोग सोच रहे हो कि आखिर विश्व धर्म संसद क्या होता है, हमने पार्लियामेंट सुना, सारे देश का एक संसद होता है, ये विश्व धर्म संसद क्या होता है, तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। बस ये जब बात है 1893 की तो उस समय सारे देशों में ये होर मचा हुआ था कि हम देश है, हमारा धर्म देश है और पूरे विश्व के मालिक बनने लायक हम ही है। और उस संसद में मतलब कहा जा सकता है उस मीटिंग में सारे देश ने अपने यहाँ से सबसे प्रभावशाली सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को उस संसद में भेजा कि वह व्यक्ति अपने देश का प्रतिनिधित्व उस विश्व धर्म संसद में जाकर करे और अपने धर्म को महान सिद्ध कर कराए। ये हमारा संयोग रहा कि हमारे देश से हमने नरेंद्र दत्त को भेजा, नरेंद्र दत्त वही जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने। आखिर क्या उस सफर में भारत को विश्व गुरु बनाने के राह पर जो हमने चाहा था कि ये जाके हमारे देश का प्रतिनिधित्व करे वो कर पाए, तो आप थोड़ा सा सुनिएगा, लोग अलग थे, धर्म अलग थे, लेकिन दावा सबका एक ही था, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं, मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं। विश्व के सारे देशों से आए लोग, बस सारे का यही गुणगान था कि जो हम है सो कोई नहीं है, जैसा मेरा वंश है वैसा किसी का वंश नहीं है, जो हमारा धर्म है वैसा धर्म किसी का नहीं है, सब धर्म सर्व सर्ववंश और सारे की संस्कृति हमारे सामने तुच्छ है। और उसी सभा में हमारे देश के प्रतिनिधित्व 30 वर्ष के युवा ही कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो राहुल गांधी 50 के संतरी में होगा फिर भी युवा के कैटेगरी में ही आते हैं, तो नरेंद्र दत्त तो अभी मात्र 30 वर्ष के ही थे। और सबसे बड़ी बात कि उस संसद में सारे लोग कोट टाई और सूट बूट में आए हुए थे। एक हमारे देश का प्रतिनिधि जो नरेंद्र दत्त कर रहे थे वो भागवा पहनकर चले गए थे, और भागवा जैसा कि ब्रिटिश ने बताया था कि वो बहुत कम उम्र में भागवा धारी हो गए थे और सनातन धर्म के प्रति उनका बहुत ही ज्यादा प्रेम था और जो मानते थे जानते थे कि सनातन हमें बहुत चीज दे सकता है। तो जब सारे देशों ने अपनी बात रख ली तब अब सारा विश्व यह देखना चाहता था, यह सुनना चाहता था कि क्या भारत अब कुछ बोलेगा। और सबसे पहले मैं आपको चीज और बता देता हूँ, अच्छा स्पीकर वह होता है जो सबको अच्छे से सुनता है। उस विश्व संसद में सारे लोगों की बातें नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद सुन रहे थे, और जब सुनने के बाद सारे देश अपनी बातों को रख दिए तब अब बच गया भारत। भारत अपनी बात को क्या रखेगा, सारी नजर उस स्वामी पर थी जो गिर
हुआ या फिर बोले भगवा रंग पहनकर उस संसद के पोडियम पर आ रहे थे। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुंज का सुलभ पुंज था, मस्तक पर अरुणी वह रेखा, चकित रह गया जिसने भी देखा, सत सुदर्शन धारी था वह, देवदूत अवतारी था वह। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब वहाँ पर उस पोडियम पर स्वामी विवेकानंद खड़े हुए तो सबसे पहले 2 मिनट वो पूरे संसद को घूरते रहे, तो सारे लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, अच्छे अच्छे लोगों ने अपने टाई को चीरा करके बोला कि ये व्यक्ति क्या बोलेगा, ये कुछ नहीं बोल सकता, इंडिया इज अ साइलेंट, इंडिया अब इस हमारे सामने कहीं नहीं टिक पाएगा, क्योंकि मैंने आपको शायद बताते बताते रह गया मैं आपको कि भारत की स्थिति उसमें अच्छी नहीं थी। भारत को लोग सब पेड़ों का देश कहते थे, ढोंगियों का देश कहते थे, मानते थे कि भारत अभी भी पिछली सभ्यता में जी रहा है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले उस पोडियम से स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ 5 शब्द कहे थे, ब्रदर और अमेरिका, बस यही 5 वर्ड थे, सिस्टर एंड ब्रदर और अमेरिका। अब इस लाइन में है क्या, इस लाइन में है क्या कि 15 मिनट तक तालियां बजाए, वो भी 7,000 लोग ताली बजा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि नरेंद्र दत्त या स्वामी विवेकानंद ने उस दिन बताया कि क्यों भारत वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, तो उस दिन भारत ने ये उस मन से ये बताया था कि हम पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं और पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा, उस संसद में मेरा धर्म ही सही है तुम्हारा धर्म भी सही है, मेरा धर्म भी सही है तुम्हारा धर्म भी सही है, मेरा रास्ता भी सही है और तुम्हारा रास्ता भी सही है, और तुम्हारे गलत होने के लिए मेरे सही होने का जरूरत नहीं है, मैं भी सही हो सकता हूँ और तुम भी सही हो सकते हो। ये सारी बातें नरेंद्र दत्त या फिर कहे स्वामी विवेकानंद की बातों से के मुख से निकला था, और ये सारी बातें जब सारे के जहन में जा रहे थे सिर्फ तालियां का शोर गूंज रहा था। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं बस आप सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चाहे अपना हीरो किसी को भी मानते हैं, चाहे आपका हीरो कोई भी हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि आपके हीरो या मेरे हीरो के भी हीरो स्वामी विवेकानंद ही थे। क्यों? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, मैंने ऐसा क्यों कहा कि सारे हीरो के हीरो रविंद्रनाथ थे, स्वामी विवेकानंद थे, क्योंकि जितने भी महान पुरुष हुए, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी का कहना था कि अगर स्वामी विवेकानंद को आप तो पढ़ते हैं तो समझिए कि आप भारत को अच्छे से जान लेते हैं। रविंद्रनाथ ने कहा था कि भारत को पढ़ना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर स्वामी जी अभी जिंदा होते तो ये साफ है कि मैं उनके चरणों पे पड़ा हुआ होता। मतलब जो इतने महान महान हस्ती उस उनके बारे में कर तो जरूर तो उनमें कुछ होगा ना, इसलिए हम लोगों को ये चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में उनके द्वारा किए गए कार्यों को लागू करें और जो भी उनका सोच था उस सोच को अपनी सोच के साथ मिलाकर देश को आगे बढ़ाएं और हम भी आगे बढ़े। दो सर मैं कहना चाहूंगा, भारत को समझना है, अगर भारत को कोई भी समझना चाहता है तो इस देव पूजी भारत को विवेकानंद की आंखों से देखिए। भारत को जिस तरह से विवेकानंद देखते थे अगर उस तरह से आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा भारत क्या था। जैसा कि मैंने ये प्लान पहले भी कहा है कि हम अपने धर्म के सच्चे उपासक हैं, लेकिन दुनिया के किसी धर्म से हमारा कोई बैर नहीं, हम अपने धर्म के सच्चे उपासक हैं और दुनिया के किसी भी धर्म से हमारा बैर नहीं। हम सांप के फन कुचलना भी जानते हैं और सांपों को दूध पिलाना भी जानते हैं। हम सीमाएं मतलब बॉर्डर, हम सीमाएं जीतने के लिए कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं हारते। अगर इन बातों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप तो विवेकानंद की बातों से सीख सकते हैं। विवेकानंद ने कहा था
विजय तन की घड़ी भर की दमक है, विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार भर इसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, इसे क्या खोजना गिर कर पतन में। शरण उजागर केवल धर्म होगा, सहारा अंत में केवल आपका सत्कर्म होगा। जय हिंद, जय भारत और जय विवेकानंद।